आइए आज बनाते हैं पेक्ट पाटी शाप्टा, एक बंगाली डेलिकेसी एंड मलाई टोस्ट। लेकिन सबसे पहले प्लीज सब्सक्राइब, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज प्रेस द बेल आइकन आल्सो सो दैट यू कीप गेटिंग द नोटिफिकेशंस। लाइक इट एंड प्लीज शेयर इट एंड आल्सो प्लीज कमेंट। एक लीटर दूध ले लेंगे, इसे हमें रिड्यूस करना है खीर बनाने के लिए। इसको हमें लगातार चलाते रहना पड़ेगा और 1/4 कप चीनी हम इसमें ऐड करेंगे। जब ये लगभग 1/4 अमाउंट में रह जाएगा, दूध का मिठास तो होता ही है, साथ में रिड्यूस हो जाने पर हमें बहुत ज़्यादा मिठास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए बनाते हैं बेक्ड पाटी शाप्टा। सबसे पहले इस इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर एक लिक्विड सा बना लीजिए और उसका क्रेप बनाना है जैसे दिखाया गया है, और नारियल के भी ये मिक्स को आप बना लीजिएगा पहले से, और इसे फिर इस तरह से रोल करने हैं। ऐसे कई हमें बनाने हैं ताकि हम इकट्ठे इन सबको मिलाकर एक बेक्ड डिश बना सकें। एक डीप बर्तन में लेंगे, बेकिंग पैन जैसा, और उसमें बनाए हुए जो खीर है उसको इस तरह से फैला देंगे ताकि ये लगभग ढक जाए। हमें इसे कुछ देर तक रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से मिल्क के जो गुडनेस है वो अच्छी तरह से फैल जाए और अंदर चले जाए। टाइम है इसे बेक करने का 200 डिग्री सेल्सियस में। ऊपर का फिलामेंट जलाकर मिड रैक पर इसे रख देंगे लगभग 10 मिनट पहले, फिर देखेंगे ये अगर ठीक से बेक हो चुका है, ऊपर से ब्राउन हो चुकी है तो हम उसे उतार सकते हैं और ऊपर से क्रिस्पी नारियल फ्लेक्स इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। तैयार है बेक्ड पाटी शाप्टा। मिल्क की गुडनेस जब थोड़ा सा बर्नट हो जाता है तो ये बहुत ही खूबसूरत होता है, पर्टिकुलरली अगर आपका अंदर का जो फिलिंग है वो पाटाली गुड़ या पाम गुड़ से बने हो। आइए चलिए बनाते हैं उसी चीज से मलाई टोस्ट। पाटी शाप्टा बनाने के लिए जो खीर को हम छोड़े थे उसको और थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे ताकि ये लगभग इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाए कि उसे किसी ब्रेड के ऊपर में अच्छी तरह से फैला दिया जा सके, यानी और भी कंसंट्रेटेड और भी टेस्टी। इसका खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। खीर का ओरिजिनल टेस्ट को बरकरार रखने के लिए हमने इसमें कोई और एडिशनल खुशबू ऐड नहीं किया, जैसे कि इलायची वगैरह। आप यहाँ पे अपने टेस्ट के हिसाब से इलायची भी ऐड कर सकते हैं। लेंगे बटर और उसमें डालेंगे शक्कर ताकि आउटर पोर्शन ऑफ द ब्रेड कैन आल्सो गेट स्वीटेंड। ये बहुत अच्छा चीज बनने वाला है, ट्रस्ट मी। बटर से फ्राइड किया गया ब्रेड ऐसे भी बहुत अच्छा होता है, इसके अंदर में आप सैवरी चीज़ें भी डाल सकते हैं, लेकिन ये एक चीज़ बहुत बहुत अच्छा होता है। जस्ट बनाइए घर में। इसे दोनों तरफ से हल्का क्रिस्पी फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, और डायगोनली इसे काट लेंगे। पाटी शाप्टा डिश में भी आप ये खीर को नारियल के जो मिक्स है उसको रिप्लेस करके बना सकते हैं। इसको आप स्नैक के तौर पे खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, स्वीट डिश के तरह खा सकते हैं। कॉफी के साथ तो ये जबरदस्त बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस टू शॉर्ट रेसिपीज, बेक्ड पाटी शाप्टा और मलाई टोस्ट। कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।